सन 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग बिहार से घर बार छोड़कर बेहतर जिंदगी का ख्वाब लिए पूर्वी बंगाल चले गए, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा था। मगर ये ख्वाब पल पल टूटने लगा और सन 71 आते आते पूरी तरह चकनाचूर हो गया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया और ये बिहारी मुसलमान एक बार फिर रेफ्यूजी और बेवतन हो गए। वापस बिहार नहीं जा सकते थे क्योंकि जड़ से उखड़ा हुआ दरख्त दोबारा उस धरती में नहीं लग सकता। अब के सफ़र बहुत लंबा था, बांग्लादेश से गौहाटी, गौहाटी से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर शरीफ, वहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से भुज और फिर हाजीपीर, वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान जाने के लिए कच्छ का रन गैर कानूनी तौर पर पार करना पड़ेगा। नमक और समंद्री कीचड़ का लक और दख सहरा मीलों तक फैला हुआ। इंसान और जानवर तो एक तरफ, शायद घास का एक अंकुर भी मीलों तक दिखाई नहीं देता। रात के अंधेरे में सीमा सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचते बचाते उन्हें रन पार कराने वाले पेशावर लोग हैं। उनमें से एक नौजवान भोला भाला रेफ्यूजी है। घर बार, पता ठिकाना, माँ बाप, किसी का पता नहीं। शायद इसीलिए रेफ्यूजी नाम है उसका। बांग्लादेश से आए मंजूर अहमद और उसके साथियों को शायद ऐसे ही किसी आदमी की तलाश है। लो, दवा पी लो अम्मा। अल्लाह रसूल कर्म करेंगे तो जल्दी अच्छी हो जाओगी। अब क्या अच्छा और क्या बुरा बेटा, तू तो मुझे वही छोड़ा था तो अच्छा था, बोझ ही हूँ तुम लोगों पे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? अरे लानत है ऐसे बेटों पर जो अपनी माँ को बोझ समझते हैं। तुझ पर रहमत हो अल्लाह की मेरे बच्चे। वो तो करीम है अम्मा, गलतियाँ तो हम करते हैं। पहली गलती वही हो गई जब हम 47 में बिहार छोड़कर बंगाल चले गए और ले आए बुजुर्गों की बद्दुआएं जिन्हें हम बिहार के कब्रिस्तान में छोड़ आए थे। राम राम जी। हाँ, कहाँ से आए हो तुम लोग? कलकत्ता से आए हैं जियारत के लिए। कलकत्ते से आए हो या बांग्लादेश से आए हो? हाँ, कह दिया ना, कलकत्ता से आए हैं। हो, कलकत्ते से आए हो। वैसे वो दलाल जो तुमको अहमदाबाद स्टेशन पर छोड़ के गायब हो गया, वापस नहीं आएगा वो? मैं जानता हूँ कि तुम बांग्लादेश से आए हो और पाकिस्तान जाना चाहते हो। अरे मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। मेरी मदद नहीं चाहिए तो ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। राम राम। अरे थर मारे को सुनिए। बढ़िया बोल। देखिए, आप हमारी मदद करेंगे, हमें उस पार पहुंचा देंगे। देखो, उस पार का रास्ता आसान भी नहीं और सस्ता भी नहीं। देखिए, आप तो जानते हैं कि हम लुट लुटा कर आए हैं। अरे पूरब से पश्चिम तक आ गए हो, अब आगे का टिकट भी तो लेना पड़ेगा हैं? ये जो है आपकी नजर कर रहे हैं, बस हमारी मदद कर दीजिए। ये क्या है हैं? अरे ऐसा तो चार कदम भी नहीं चल पाओगे। ये वापस लो और वापस चले जा। अरे देखिए, कहाँ पकड़? जो कुछ है बस यही है हमारे पास, और कुछ नहीं बचा। अबे खुदा के घर के बाहर बैठा है, झूठ को बोल रहा है। ये आंटी में क्या है? ये मेरी बेटी की अमानत है, उसकी शादी के लिए रखा है। अबे बांगड़ू, उस तरफ जिंदा पहुंचेगा तो शादी रचाएगा क्या? ये लुंगी चलेगी, मेरे घर चल और कपड़े पहन ले वहां के, सलवार कमीज, समझ गया? तो आप हमें ले चलेंगे? मैं नहीं, ले जाने वाला कोई और है, मैं सिर्फ उस तक पहुंचाऊंगा। कौन है वो? जान मोहम्मद, पाकिस्तानी। मैं तो बस इतना कहता हूं कि पाकिस्तानी भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? जी 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 जी। वही पहनते हैं जो हम पहनते हैं,
वही सोचते हैं जो हम सोचते हैं। अरे भाई, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी उस तरफ और उनकी बेटियों की शादी हमारे यहाँ हो। बंटवारे से पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था? जी जी। अब किसने पूछा तुझसे? हमारे रिश्तों में मिठास ही मिठास है, मगर ये जो नेता लोग हैं ना, और ये फौजी वर्दी वाले जो हैं, ये ना हमें जीने देते हैं ना उन्हें जीने देते हैं। और जब उनका बस नहीं चलता तो गांव में आकर हमारे लोग गिनना शुरू कर देते हैं। बॉर्डर पर हमारा गांव है इसलिए। अरे जान मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है जान मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्राण के पार जाओगे पाकिस्तान? बस एक बार पाक सरजमी पर कदम रख दे तो। वो सामने रहा रण और उस पार है तुम्हारी मंजिल। क्या नाम है तुम्हारा? जी मंजूर। मंजूर। देखो भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उधर तुम्हारा कोई अपना है? जी है, मेरा मौसेरा भाई कराची में है। मेरी मानो तो वहां पहुंचकर भी उनको खबर मत करना कि तुम पहुंच गए। क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि इंसान दुनिया का सबसे घटिया जानवर है। अगर उसे लगा कि तुम उन पर बोझ बनने वाले हो तो पिंड छुड़ाने के लिए पुलिस को खबर कर सकता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह, इस बारे में तुमने सोचा ही नहीं था। एक काम कर सकता हूं, मेरा एक भाई रहता है उस तरफ, मेरे कहने पर कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को अपने यहां सर छुपाने की जगह दे सकता है। बाद में तुम अपना ठिकाना ढूंढ लेना। आपका बड़ा एहसान होगा हम पर। एहसान की क्या बात, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। क्यों मक्कड़ जी? हाँ, पीसे लेने कभी नहीं भूलियो तू। ले, ले। तो आप हमें ले चलेंगे वहां? नहीं, आपको मेरा बच्चा ले जाएगा। कहाँ है वो? आ गया तुम लोगों का मसीहा। तैयार हो? आओ आओ मेरे साथ। बेटा, आज तुम्हें इन लोगों को उस पार ले जाना है। मैं तुम्हारी अम्मी से कह देता हूं कि तुम्हारा और इन लोगों के खाने का बंदोबस्त कर दे। आमना, आमना, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाले का नाम भी किसी ने नहीं बताया। पर खुर्दार, क्या नाम है तुम्हारा? नाम रिफ्यूजी। रिफ्यूजी, सचमुच तुम्हारा ये नाम है? सच पूछे तो इस दुनिया में सभी इंसान रिफ्यूजी हैं। पुजारी बाबा कहते हैं जिंदगी बस एक सफर है, सच्चा घर तो सबका एक ही है, ऊपर वाले का। मुझे मेरा घर और मुल्क तो मरने के बाद ही मिलेगा। जज़ाकअल्लाह। मेरे साथ में मेरी अम्मा हैं, मेरी बेगम। बस
मैं आप लोगों की पहचान नहीं चाहता। क्या बात हो गई? आप मेरे लिए महज सामान हैं, जो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जान पहचान कमजोरी की जड़ होती है, ये लगाव में बदल जाती है तो मुसीबत बन जाती है। एक बार मैं धोखा खा चुका हूं, आप ही की तरह किसी को ले गया था और रण में ही बिछड़ गया हमेशा के लिए। हिंदुस्तानी सरहद की आखिरी पोस्ट है, चलो। या रुकेंगे, खा पी कर सुस्ता लो। आओ मां। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। लगता है बहुत थक गए हैं आप। हाँ, खुदा ने चाहा तो सुबह तक पाक सरजमीन पर पांव रखते ही सब थकान दूर हो जाएगी और अपने लोगों में पहुंच जाएंगे। अम्मी, बड़ी प्यास लगी है, जाओ पानी पी लो। चल सलमा, सुनिए थोड़ा पानी पिला दीजिए। कर रही हो तुम? पानी की एक एक बूंद यहां इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और तुम इसे अपने चेहरे पे फेंकी जाया कर रही हो। भूल हो गई, माफ कर दीजिए। खुदावंद, तुझे तो नहीं देखा, तेरा नूर देख लिया इस चेहरे में, इन आंखों में। कह दिया ना कि हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, अब आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कमाल, उस चांद को मैं घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका। तो फिर चांद को ही देखिए ना। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, मगर चांद सांस नहीं लेता। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है।
हो, किस नगर को जाओगी, तुम कहां से आई हो, किस नगर को जाओगी, सोचता हूं मैं हैरान, चांद जैसा ये चेहरा, रात जैसी ये जुल्फे, है जगाए सा अरमान, एक नशा सा आंखों में धीरे धीरे छाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। चालीस, पांच सौ चालीस, छह सौ चालीस, लगता मक्कड़ ठगी मार गया, पैसे कम दे गया साला। उसने पैसे कम दिए, ये पैसे तुमने छुपा लिए हैं। क्या बात करती तुम हमेशा? कम दिया या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? और तुम कौन सा रुई बेच कर आए हो? वो रेफ्यूजी को ही तो भेजा उन बिहारी मुसलमानों के साथ। ये पैसे मैं रख लेता हूँ। बको मत, फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सोच लो अब्बू, तुम चाहते हो ना तुम्हारा चहीता रेफ्यूजी खैर खैरियत से वापस आ जाए। बोलना चाहता है तू? कुछ नहीं, बस वो बीएसएफ का खबरी फखरू मिला था मुझे, पूछ रहा था तुम्हारा भाई कब जाने वाला है, क्या क्या साथ ले जाने वाला है, कहो तो बता दूं उसे। फ्यूजी के बारे में फखरू को बताया तो जिंदा दफना दूंगा। तुम भी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, दे दो ना, पैसे ही तो है। ताकि जुए में उड़ा दे।
जुए की लत पड़ गई हरामजादे को। बच्चा है, ना समझे, वक्त के साथ सुधर जाएगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। बिगाड़ लो, जी भर के बिगाड़ लो, लेकिन एक दिन पछताओगी। आज मेरी गर्दन पर नाखून रख रहा है, कल किसी बाहर वाले की गर्दन पर नाखून रखेगा। हराम मुंह लग जाएगा तो गुनाहों के दलदल में धंसता चला जाएगा। खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज कहा। तुम्हारा बच्चा है तो मेरा दुश्मन है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आज अकल का दुश्मन है, कल हमारा भी हो जाएगा। इस पिलर के आगे पाकिस्तान की सरजमी शुरू होती है। सूरज निकलने से पहले हमें अपना सफर तय करना होगा। या खुदा। बेटा आप लोग जाओ, मुझे यही छोड़ दो। मैं अब और आगे नहीं चल सकती। इस लाश को कहां तक ढोते फिरोगे बच्चा? तुम लोग जाओ। ऐसा मत कहो अम्मा, वरना मैं रो दूंगी। रोने से आपकी मुश्किल हल नहीं होगी, बढ़ जाएगी। अम्मा को बहुत तेज बुखार है, एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगी। इधर थोड़ी देर। नहीं, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपने कंधों पे उठा लेता हूं। सवेरा हो गया है, यहीं छुप जाते हैं। अमी की वजह से सूरज उगने से पहले हम लोग पहुंच नहीं पाए। छुप जाओ। अम्मा तो ठीक है ना? ठीक है, सब लोग दुबक के बैठे रहो, दिन निकल आया है। आगे जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करना होगा। सारा दिन यहाँ? जी, सामने पाकिस्तानी फौज की चौकी है। मंजिल चार कदम पे है और हम सब दुब के बैठे हुए हैं। थोड़ा पानी पिलाओ ना। ओह, तब तो हम सब शाम तक प्यासे मर जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, पाकिस्तानी रेंजर तुम्हारी जैसे लोगों की ताक में रहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? वो लोग मुझे रोकेंगे, मुझे मारेंगे? अरे वो सब हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। यही तो हमारे ख्वाबों की मंजिल है। सामने कोई आ रहा है। मैं हूँ असगर अली। कोई आवाज नहीं करेगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हमें यहां से निकलना होगा। सलाम साहब। सलाम। लगता है साहब ये रेफ्यूजी थे जो हमारे वतन में घुस रहे थे। वहाँ पर कुछ और लोगों के भी पैरों के निशान थे जो घुसपैठिए थे और जो भागने में कामयाब हो गए। कल बॉर्डर के पास वाले हर गांव में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करना होगा। हर घर की तलाशी लेनी होगी।
ये रहा आपका पाकिस्तान, अब हम चाचा के आ जाएंगे। अम्मा आ गया पाकिस्तान। सलाम वालेकुम चाचा। जीते रहो बेटा। सलाम वालेकुम। आदाब। आइए। आओ। मैं देखता हूँ। सर, गो देयर। यस सर। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अता मोहम्मद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम रास्ता भूलकर कहीं नहीं जाते, पक्का पता मालूम करके ही निकलते हैं। आज सुबह ही कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे गए। ये लोग कौन है? इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। नकाब उठाइए प्लीज। नकाब उठाओ। साहब, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मंजूर अहमद। आता। अपनी फैमिली और बच्ची के साथ आए, बच्ची के रिश्ते के लिए। मंजूर अहमद मियां, कहाँ से आ रहे हैं आप? टंडे आदम से। टंडे आदम से आए आप लोग इतनी दूर से दूल्हे की तलाश में, और वो भी इनके लिए? इन्हें तो कोई भी कबूल कर लेता। हाँ, जो इनके काबिल हो, ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए आप लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा। आप ही थी जो शायद मेरी बातें सुनकर रोती थी। मरने वाले आपके क्या लगते थे? कुछ भी नहीं। हैं? कुछ भी नहीं? नहीं। आपका कसूर नहीं है मोहतरमा। इंसान इतना घटिया जानवर है कि वक्त पड़ने पर खुदा की जात से भी इनकार करते हैं। तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मैंने? मेरा भतीजा साहब। जरूर देखा होगा साहब, मुझे नहीं तो मेरे जैसे किसी और को देखा होगा। 2 रुपए दर्जन बिकते मेरे जैसे लोग, गली गली पड़े हैं। बातें तो अच्छी बना लेते हो तुम। कोई कागज पत्तर है तुम्हारे पास जो तुम्हारी पहचान दे सके? कमाल है साहब, आप एक कागज के टुकड़े पर विश्वास कर लेंगे, पर आपके सामने ये जो 6 फुट का आदमी खड़ा है उस पर यकीन नहीं करेंगे। देखो, फौजी का एक हाथ पड़ा ना तो 6 फुट का आदमी 1.5 फुट का होकर रह जाता है। आप तो बड़े अफसर हैं साहब, सरकार आपकी जरूर सुनती होगी। सरकार से कहिए ना, ऐसा कानून बनाए जिससे छोटे लोग बड़े हो जाएं, बड़े छोटे नहीं। जो तुम दिखते हो वो तुम हो नहीं। अंदर कौन है? बड़ी अम्मा है साहब, बीमार है, थोड़ा चनाया, सो गई। आप उन्हें कच्चीनी से जगाना चाहेंगे? जी नहीं, लेकिन तुमसे दोबारा मिलना जरूर चाहेंगे। चलो। कफन दफन का बंदोबस्त करना होगा।
कौन चला गया? आपकी माँ। अम्मा को दफना आए? बेटे, ये तो बता दो वो कौन सा वक्त था जब अम्मा हमें छोड़कर चली गई? हादसे के बाद जब मैंने उन्हें उठाया तो अम्मा की रूह जा चुकी थी। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने इसलिए नहीं बताया कि सफर और भी मुश्किल हो जाता। गम और थकान का मेल जानलेवा होता है। और तुम इतनी दूर से अम्मा को, मेरा मतलब अम्मा की लाश को उठा ले आए, जबकि तुम्हारा हम लोगों के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता तो है, जो एक इंसान का इंसान से होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत मियां? खै, क्या बात है भाई, डंडा दिखा रहा है आज? बैठ जाते हैं। अल्लाह के फजल व करम से सफर खुशगवार गुजरा होगा। लगता है जनाब मूड में नहीं है। अरे हाँ, मैंने उस हादसे के बारे में सुना जहाँ वो रिफ्यूजी मारे गए। बेहद अफसोस हुआ जनाब, बेहद अफसोस हुआ। काम क्या बात है मियाँ, हमेशा बड़ी जल्दी में रहते हो। कभी तो फुर्सत में उस तरफ की दो चार बातें तो बताया करो। अरे हाँ, मैंने सुना है लता मंगेशकर ने नया कैसेट निकाला है, अगली बार जरा लेते हैं ना। इस पार्सल में क्या है? सफेद पाउडर, कीड़े मारने की दवा है। और इस पार्सल को उस तरफ पहुंचाने की कीमत? वजन के बराबर कीमत भी मिल जाएगी जनाब। जान मोहम्मद हिसाब किताब में? पक्का है, जानते हैं हम, जानते हैं। इस बात का ख्याल रहे। अरे बेटे, बिना मिले ही चले जाओगे? ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए सामान ही सही। तुम्हें रिश्ते पसंद नहीं, पर तुम हमारे लिए तो बेटे जैसे ही हो ना। हम तुम्हें दुआओं के सिवा और दे भी क्या सकते हैं। रास्ते के लिए रोटियां बनाई हैं, खा लेना और अपना ख्याल रखना। खाते वक्त तुम हमें याद करो ना करो, हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। फी अमानुल्ला। खुदा हाफिज़। बैठो ना। जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह, ऐसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों, आपको सच अच्छा नहीं लगता? फिर तो आपको खुदा का नाम भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी एक सच है। देखिए, अब बातों बातों में हमें गुनहगार बना रहे हैं। तो सच कहिए, क्या आज तक आपको किसी ने नहीं बताया कि आप खूबसूरत हैं? क्यों, आज तक अंधों की बस्ती में थी क्या? देखिए कमाल है ना, मुस्कुराई आप और थकान मेरी उतर गई। इसलिए फिर चल दिए? ताकि थक कर वापस आ जाओ, आपको मुस्कुराता देख कर अपनी थकान दूर कर लो। जाना जरूरी है। ना जाऊं तो क्या करूं? यहीं रुक जा हमारे साथ। हवा के झोंके को आप बांधने की कोशिश कर रही हैं,
मुश्किल है? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। खुदाफिस। सुनो, तुम जा रहे हो, रुकोगे नहीं? कुछ लोगों को उस पार ले जाना है। भगवान करे इस बार कोई हादसा ना हो, सब लोग खैरियत से पहुंच जाए। सबकी फिक्र करते हो, अपना भी ख्याल रखना। पानी की एक एक बूंद कीमती है, जाया मत करना। सब लोग एक साथ रहना, कोई बिछड़ ना जाए। चलो। अरे रिफ्यूजी, तुम रो क्यों रहे हो? स्कूल कभी गया नहीं, पर जिंदगी हर रोज एक नया सबक सिखाती है। आदमी जब बहुत खुश होता है रो देता है। छोटी छोटी बातों के लिए जान मोहम्मद के पास मत आया करो। तुम्हारा बीवी से झगड़ा हो गया तो मुखिया क्या कर लेगा? ये सब पहले जान मोहम्मद जी, बीएसएफ रघुवीर सिंह जी, आज तक नाम सुना था, आज दीदार भी होगी। बैठिए ना। अरे चाय लेके आ जा। जी मुखिया जी, बैठिए। आप इस गांव के मुखिया हैं? मुखिया क्या जी, सेवक हूं, पता ही क्या सेवा करूं। आपका गांव बॉर्डर पर है, आपका काम है गांव को संभालना और मेरा काम है बॉर्डर को संभालना जी। इस बात से ये जाहिर है कि हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप यकीन रखिए मैं और गांव वाले हमेशा आपका साथ देंगे साहब। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि सुबह जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए हैं उन्हें यहाँ कौन ले आया? बॉर्डर पार करके? कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। मैं आपकी बात को सच मान भी लूं, लेकिन ये नहीं मानता कि किसी की मदद के बिना वो रण पार करके इस तरफ आ सकता है। मैं जानता हूं कि मदद करने वाले इसी गांव का है। आप कहते हैं तो मैं जरूर नजर रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां कोई ऐसा इंसान है। आपके घर में कौन है? मैं हूं। और मेरी बीवी आमना है, और अरे ये मेरा बेटा शादाब, सलाम करो। उर्दू के पट्टे सलाम कर, सलाम करो। सलाम सब। सलाम। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं साहब, खेलने गया था। क्या खेलते हैं? फुटबॉल या हॉकी? अरे फुटबॉल या हॉकी, ये तो तीन पत्ती या मांग पत्ती खेलता है। जुआ खेलते हैं आप? नहीं साहब, बाबू की बात मत मानो, ये तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो मेरा दूसरा बेटा भी आ गया, ये अच्छा। ये मेरा दूसरा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा। कहां से आ रहे हैं? अबे ओए, तुझसे पूछ रहा हूं कहां से आ रहा है? बस यहीं से। क्यों? क्योंकि तेरे जूतों पर लगी मिट्टी कुछ और कहानी बता रही है। रण पे गया था क्या? जाना पड़ता है साहब, जानवर उस तरफ भटक जाते हैं, उन्हें वापस लाना पड़ता है। क्यों भटक जाते वहां? नमक चरने के लिए या खाड़ी का खारा पानी पीने के लिए? इतनी समझ होती तो जानवर कहलाते क्या साहब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोल लेते हो तुम। जितने भोले दिखते हो उतने भोले हो नहीं तुम। आज से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हारा। ये तो बड़ी अच्छी बात है साहब, आज तक सिर्फ अब्बू ख्याल रखते थे, आज से आप भी रखेंगे। फिक्र मत करना, आज के बाद तुम्हारे अब्बू से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। कम ऑन बॉयज।
हम तुम्हें लेने आए हैं। जी तुम्हारा नाम क्या है? सलमा। सलमा, बड़ा प्यारा नाम है। अकेली हो ना? मैं जानता हूं तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, मारे गए ना बेचारे। खैर आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, या यूं समझ लो कि तुम मेरे साथ रहोगी। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। अरे पगली, अरे हम तो तुम्हारे ही भले की बात कह रहे हैं। खाना पीना कपड़ा और फिर जिंदगी की सभी जरूरतें पूरी करने वाला कोई तो चाहिए ना। और फिर हम इतने बुरे भी नहीं है सलमा। देखो देखो मेरी तरफ, देखो जबरदस्ती कर रहे हैं आप। सर, आपको लड़की पसंद है? बेशक। निकाह करेंगे आप? जी मैंने पूछा, शादी करेंगे आप? शादी करने के बारे में भी सोचा नहीं है सर। तो जिस बारे में आपने सोचा है वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सलमा भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसकी इज्जत बिकाऊ नहीं है, समझे? समझ गया सर। तो जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए, वरना हमें भी शर्मिंदा करवाएंगे आप। सर आउट। चलो। मेरे आदमी की हरकत के लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी। बेटी अपने आप को अकेला मत समझना, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारे लिए जैसी नाज है ना, वैसी तुम हो। ये पाकिस्तानी अफसर कितना अच्छा आदमी है, कमजोरों की हिफाजत करता है, खुदा उसे लंबी उम्र दे। अपना रेफ्यूजी भी कितना भला है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है।
रुत जो नहीं जागे अरमा गई है जैसे नशा होने को है देख रही हूँ। छू के देख लो। अरे सचमुच तुम हो, ख्वाब चुटकी काटने से नहीं चौंकते। अच्छा ये बताओ तुम गए कब और आए कब? फासला कम हो गया है क्या? तुम चाहोगी तो फासला और भी कम हो जाएगा। जिंदगी का सफर भी अजीब सफर है, सामान से भी मोहब्बत होने लगती है जी। अब्बो अम्मी देखो कौन आया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? जी जब आपने देखा। सलाम। जी फिर कैसे आ गए? किसी खास काम से आए हो क्या? जी काम भी था और आप लोगों से मिलने को जी चाह तो चलाया। अच्छा किया। अरे बेगम ये थका मांदा आया होगा, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। जी यहाँ भारी करीमन की दुकान है, वहाँ खजूर के गुड़ का जर्दा मिलता है, कमाल होता है चाय के साथ, ले आता हूँ। खजूर के गुड़ का जर्दा मैंने तो कभी नहीं खाया। तुम भी चलो। मैं तो कहता हूँ हम सब लोग, नहीं मैं ही सबके लिए ले आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। अबू मैं जाऊँ? जाओ पर जल्दी लौटा ना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो फिर मैंने क्या सुना? ऐसा होता है। क्या होता है? तुम्हारे कान बजने लगे हैं। अरे वाह, कान कोई घुंघरू है जो बजने लगेंगे? तो कुछ ऐसी बात होगी जो तुम सुनना चाहती हो और मैंने कही नहीं। क्या हुआ, चलो ना। अच्छा ये बताओ तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कोई और रेफ्यूजियों को लाए हो क्या? बस अपने आप को ले आया हूँ। झूठ। बाबा आटा तैयार है? यार नहीं है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
पूछ रही थी, तुम्हें रातों को नींद आती है? है? तुम्हें रातों को नींद आती है? बिल्कुल, बच्चों की तरह सोता हूँ। छोटा बच्चा जितनी बार जागता है रोता है, है? छोटा बच्चा जितनी बार जागता है रोता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, खूब मजे की नींद सोता हूँ मैं। तुम झूठ बोलते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? क्या? तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? पराठे, गोभी गोभी के, वाह। मजाक मत करो, बताओ तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? नहीं तो? तुम झूठ बोलते हो। अच्छा बाबा, ये भी झूठ वो भी झूठ, तो फिर सच क्या है? क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वापस आ गया तू? क्या लिखा है? वही सोनी महिवाल लैला मजनू की कहानियां, दोनों का इस पार से उस पार जाना, एक दूसरे के लिए जान देना, मगर हमारा रिफ्यूजी किसी लैला के लिए जान नहीं देगा। चुपचाप हमारा काम करेगा बिना कोई सवाल किए। कल सुबह आ जाना, उस तरफ कपड़ों का कोई बंडल पहुंचाना है, और आते वक्त वहां से बंदूकें ले आना। बंदूकें किसके लिए है? जितने कम सवाल पूछेगा मजनू की लैला उतनी महफूज रहेगी, वरना ना कहियो। वरना क्या तल्ले हैं? उसे आज भी आई ना, तुझे चीर कर रख दूंगा मैं। किस किस को चीरोगे? हमको चीरोगे, बीएसएफ वालों को चीरोगे, और बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी रेंजरों को चीरोगे। चीर दो, चीर फाड़ दो हमें। अरे ऊपर वाले, तेरे भी रंग न्यारे हैं। आज तुम्हें एक नए अवतार में देख रहा हूं पुत्र। क्यों बाबा, मैं तो हमेशा इस दर का भिखारी रहा हूं। क्या मांगा है जो तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, ना मां ना बाप ना भाई ना बंधु ना कोई मुल्क। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब किसके नाम को रुमाल बांधा है? कोई है बाबा, सरहद के उस पार। आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आया। उस दिन वाला अफसर फिर से आ गया, अल्लाह खैर करे। फिक्र मत करो, बुरा आदमी नहीं है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आप लोगों ने घर ले लिया? चलो अच्छा किया जी। वो जिस काम से आए हैं वो तो पूरा करके ही जाएंगे, शायद वक्त लगे इसलिए घर ले लिया जी। बेटी का रिश्ता जो करना है, तलाश काफी लंबी करनी पड़ेगी आप लोगों को। मालिक की रजा के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता साहब जी। सो तो है, अब मुझे ही देखिए ना, घर वालों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन हम अकेले के अकेले। आपकी शादी नहीं हुई अब तक? जी नहीं। क्यों भला? जी मुझे हमेशा से तलाश रही उसे एक नजर की जो मेरी पूरी हस्ती को झंझोड़ के रखते। अब्बा, अम्मी, अब्बा ये देखो कितने प्यारे प्यारे इतने छोटे जुड़वा बच्चे, देखो ना इन्हें। कहाँ से लिया इन्हें? अरे सलाम। कितने प्यारे हैं ना माँ। कितने प्यारे हैं ना अब्बा। हाँ। अरे
इन्हें सलाम तो करो बेटी। बेटी जान दो। कमाल है, आज तक आपको कोई मिली ही नहीं। मिली भी और नहीं भी। मतलब? मसलन मालिक की रजा के बगैर कुछ नहीं होता। ये बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। नाजो, नाजो, सलमा, अरे भाई घर वालों, कोई है घर पर? सलमा, सलमा। अरे वाह रिफ्यूजी, तुम कब आए? जब तुमने देखा। कहाँ है सब लोग? सब लोग मतलब नाजो या कोई और भी? आया हो तो नाज से भी मिल लूंगा। कहाँ है वो? अभी अभी तो यहीं थी, मुझे पता है कहाँ गई होगी। नाजनीन, अरे ओ नाज, नाजनीन, नाज, अरे ओ नाज, क्या हुआ, क्यों मरी जा रही है? कोई तुमसे मिलने आया है। आने वाले का कोई नाम तो होगा या नहीं? है क्यों नहीं, नाम है रेफ्यूजी। क्या जी? अरे रेफ्यूजी, रेफ्यूजी, ये भी कोई नाम हुआ। क्या बुराई मेरे नाम में? जानती हो, रेफ्यूजी उसे कहते हैं जो आसरा मांगने आता है। इसलिए तो मुझे ये नाम पसंद है, मुझे आसरा देने वाला चाहिए, आसरा मांगने वाला नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। इस छोटे से दिमाग पर जोर मत दो, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें इस नाम से कभी नहीं पुकारूंगी। तो क्या कहकर पुकारोगी? जी जी, हाँ सिर्फ जी। मगर जी तो लड़कियां अपने उनको कहकर पुकारती हैं। वो तुम कुछ भी समझो, मगर मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज के बाद तुम जो भी पैसा कमाओगे वो सिर्फ अपने अब्बू को नहीं दोगे, मुझे भी दोगे। क्यों? ये घर जो बनाना है, ये घर तुम बनाओगी अपने लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। नाज, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? मालूम क्यों नहीं, घर की बात कर रही हूँ। मेरा घर, तुम्हारा घर। मेरा घर, मेरा घर। किसी की जिंदगी का सबसे हसीन सपना सच हो जाए तो यकीन कर लेगा क्या? मेरा घर, मेरा गांव, मेरा मुल्क। अरे जानू, तुम तो रो दोगे। नहीं, आंखों से खुशी बरस पड़ेगी। नाज, मेरा मुल्क अपना हो ना हो, गांव अपना हो ना हो, पहचान अपनी हो ना हो, पर ये सपना जरूर अपना रहेगा, वो भी तुम्हारा दिया हुआ। नाज, ये घर बने ना बने, मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। तुमने मेरे सपने के बारे में सोचा तो? घर क्यों नहीं बनेगा, बस तुम पैसे देने वाले बनो। पैसे तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हारे अब्बा क्या कहेंगे वो? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। एक काम हो सकता है, तुम पैसे लाकर अता मोहम्मद चाचा को दोगे, वो अब्बा को देंगे और वो मुझे। हाँ ये ठीक है। तो मंजूर? मंजूर। तो समझो घर बन गया। बन भी गया?
हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ? मेरे दिल और मेरी आंखों में देखो, दिख जाएगा। तुझे कुछ पैसे चाहिए? जी। हाँ? अरे सुना, अपने इस बच्चे को पहली बार कुछ पैसे चाहिए। तू सारे रख ले, सारे रख ले, रख ले। क्यों चाहिए इतना पैसा तुझे? जी, किसी के लिए तोहफा लेना है। हाँ, मेरी तरफ देख, देख देख। ऐसी कोई बात होगी तो मुझे बताएगा ना? जी आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? ओ मेरा बच्चा, जीता रहे। अब क्या मेरा मुंह देखती रहेगी? ये ले पैसे, गिन और खाना लगा मेरे बच्चे के लिए। खाना तैयार है, बस अभी लगाती हूँ। हाँ, कोई जल्दी नहीं अम्मी, मैं अभी आके खा लूंगा। अरे अरे सुन बेटा, दिल खुश किया तूने।
ये बंदूकें किसके लिए हैं? तेरे हुजूर से सब शर्मसार होकर चले, शिकार करने को आए थे, शिकार होकर चले। ये अमीरों के चोचले हैं जनाब, उस तरफ वाले ठाकुर महेंद्र प्रताप है ना, उनके शिकार का सामान है, संभाल कर ले जाना। भाई, ओ भाई, पैसे तो मुझे जरूरत है। पैसे तो मेरे पास हैं, मगर मुझे अपने लिए चाहिए। तुम पैसों का क्या करोगे? अरे वाह, मेरी कोई जरूरत ही नहीं, मुझे भी अपनी जिंदगी बनानी है, सपने सच करने, सपना घर का, घरवाली का, नन्हे मुन्ने फरिश्तों का। भाई तुम्हारा सपना बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मेरे भतीजे पैदा होंगे तुम उनका नाम क्या रखोगे? सलीम रेफ्यूजी या अनिल रेफ्यूजी? क्या बक रहे हो, मेरी औलाद भी रेफ्यूजी होगी क्या? अरे तुम आज तक अपनी पहचान ना बना पाए, अपने बच्चों की पहचान क्या बनाओगे? मालूम है ना, जिसके बाप का पता नहीं होता दुनिया वालों से क्या कहते हैं। Shut up! खबर, परसों सुबह एक आदमी इस पार से उस पार जाने वाला है। नाम? बेनाम। मतलब? समझदार हो तो नाम खुद ही समझ जाओगे। नाजू, नाजू मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम इतनी दूर बॉर्डर पर मेरा इंतजार कर रही हो, ये क्या दीवानगी है? चुप, कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ, कोई सवाल नहीं पूछना, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, बस चुप। पागल हो गई हो क्या? हूं ही नहीं, पागल होते होते बच गई। मगर हुआ क्या, कुछ तो बोलो। मैंने बड़ा डरावना सपना देखा, तुम्हें खुदा ना करे गोली मार दी किसी ने, तुम डर से तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, तो सपना देखकर अब पागल हो गई। अगर सचमुच ऐसा हो जाए तो क्या करोगी? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे, यहीं रोक लूंगी अपने पास। साहब, पैरों के निशान बताते हैं एक आदमी इस दिशा में गया है, और हाँ कुछ घंटे पहले ही, ये देखिए साहब, देखो साहब, जो गया है वो वापस भी आएगा ना? हाँ आएगा साहब, मैं उसका यहीं इंतजार करूंगा। सलाम अलैकुम। सलाम, आप कौन सी मनहूस खबर लाए हो? आज तो अच्छी खबर लाया हूं जनाब, आज तो हिंदुस्तान नहीं जा सकता। क्यों भाई? वो बीएसएफ वाले तेरी ताक में बैठे हुए हैं। बीएसएफ वालों को खबर किसने दी? पता चला है कि तेरे किसी करीबी ने ही बीएसएफ वालों को खबर दी है जनाब। शुक्रिया, मगर मुझे जाना ही होगा। ठीक है, जिंदगी तुम्हारी है पापा, खुदा हाफिज।
ये बताओ, ये सफेद कपड़े क्यों पहन लिए? रण सफेद है ना, दिखाई नहीं दूंगा, रण की सफेदी में मिल जाऊंगा। मगर जाओगे जरूर? मुझे जाना ही होगा। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जाओगे, बस। Hey, तुम्हारा नाम नाज़ो नहीं, नाराज हो होना चाहिए। नाज़ो, मेरी अच्छी नाज़ो। मैं अच्छी नहीं हूँ, बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, पर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो, मेरी पूरी जिंदगी किसकी है बोलो? मैं क्या जानू? तुम जानती हो तुम्हारी है, है ना? है ना? हाँ, है। तो? बस, इसमें से सिर्फ दो एक दिन ही तो मांग रहा हूँ मैं। एक पल भी नहीं मिलेगा। ऐ, जब तुम चिड़चिड़ करती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो। वैसे नहीं लगती। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। देखो, फिर नाराज हो गई। छोड़ दो ये गुस्सा। एक शर्त पर। मैं जो बोलूँ, तुम पीछे पीछे बोलो। कबूल। तुम मुझे? तुम मुझे। उठते बैठते? उठते बैठते। जागते सोते? जागते सोते। हंसते रोते? हंसते रोते। लड़ते झगड़ते? लड़ते झगड़ते हर हाल में प्यारी लगती हो। ये तो मैंने नहीं कहा, फिर तुमने क्यों कहा? मैंने भी नहीं कहा। तो फिर किसने कहा? इस कमबख्त ने कहा। आहिस्ता हाथ मारो दिल पे। क्यों? इसमें मैं रहती हूँ, मान जाओ ना। आज मत जाओ। मुझे अच्छा नहीं होगा ना। तुम्हें मुझसे दूर जाते हुए अच्छा लगता है क्या? कुछ हरकत दिखाई दी? जी नहीं सर। देगी देगी सर, कुछ हरकत दिखाई दे रही है। नजदीक आने दो। सुखविंदर, उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई है। जो भी है, बहुत चालाक है।
रण को अच्छी तरह से जानता है। चलो जवान। बच्चे तुम्हें क्या हुआ? खून कैसे बह रहा है? क्या हुआ बच्चे को? हाय अल्लाह कितना खून बह रहा है। मेरे खुदा क्या हुआ बेटा? गोली मार दी मुझे। किसने? बीएसएफ वालों ने। मुखिया जी, अरे मुखिया जी बीएसएफ वाले आ रहे हैं, बीएसएफ वाले आ रहे हैं मुखिया जी, मुखिया जी। सब घरों की तलाशी लो, किसी पर भी गोली का जख्म दिखा तो यहां ले आओ। इस घर की तलाशी लो। सलाम साहब, तुम ही से मिलने आया हूं। आइए आइए साहब। वो पीछे कौन है उसे? कुछ घंटों पहले एक भागता हुआ मुजरिम हमारे गोली से घायल हो गया है। हैरत की बात यह है कि वो रण जैसी जगह से गायब हुआ है, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो यहीं पर है। जी बैठिए। इसी गांव में। ऐसी बात है तो गांव में देख लेते हैं साहब। गांव गांव संभाल लेंगे, तुम अपनी बात करो। सलाम करना। सलाम साहब। सलाम। ये तुम्हारा छोटा बेटा है ना? जी जी। बड़ा बेटा कहाँ है? वो तो अजीब दीवाना है साहब, छोटी सी उम्र में ऊपर वाले से लौ लगा बैठा है। जब देखो कभी दरगाह पर होता है तो कभी समाधि पर। यानी वो यहां नहीं है? अभी तो नहीं है साहब, कहीं भी नहीं। रात को यहीं सोया था, सुबह सुबह उठकर कहीं चला गया होगा साहब। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले ये खून के निशान तो मिटा दिए होते। खून के निशान? साहब साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अब सब समझ में आएगा। आपके पांव में क्या हुआ? अरे साहब अभी भी आ रही थी कि पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया। पता नहीं किस कमबख्त ने कांच की बोतल फेंक दी थी। अब झगड़ा भी करे तो किससे करे साहब? गांव भी अपना, पड़ोसी भी अपना, जीना भी यहाँ और मरना भी यहाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, जरा ख्याल रहे। आप बेफिक्र रहिए साहब, मैं मुखिया हूँ यहाँ का, मैं जरा साहब को छोड़कर आता हूँ। आइए। बाबा। बेटा रिफ्यूजी, बेटा उठो। ये क्या हुआ? गोली मार दी। गोली? परंतु तुम्हें किसने गोली मारी बेटे? बीएसएफ वालों ने। वो मुझे गांव में ढूंढ रहे बाबा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गोली निकालकर
जड़ी बूटी का प्रयोग कर देता हूँ, घाव जल्दी भर जाएगा, तब तक तुम यही रहो। नाज़नीन। आप? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रही हो तुम? घर बना रही हूँ। किसके लिए? अपने लिए, और किसके लिए? ये तुम्हारा काम है? घर मेरा है तो काम मेरा क्यों नहीं? मैं रोज उन परिंदों को देखती हूँ, तिनका तिनका चुनकर अपना घर बना लेते हैं और फिर दाना चुन चुनकर बच्चों को खिलाते हैं। तुम किसे खिलाओगी? ना सही, मुझे तो कोई खिलाएगा। कौन? कोई तो होगा जिसके साथ फरिश्तों ने मेरी डोरी बांधी होगी। मतलब तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? शादी तो होगी, कब तक अब्बू पर बोझ बनकर पड़ी रहूंगी? आप जैसा कोई भला आदमी मिल जाए तो दामन पकड़ लूंगी। आमीन। चिंता तो अब नाजो के ब्याह की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग यहाँ पीछे बैठे हैं, मैं तो सारा घर ढूंढ आया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बैठिए। सब खैरियत? खुदा का शुक्र है साहब। देखिए, आप मुझे साहब या हुजूर कहते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात जानना चाहता था, आप लोग नाज़नीन की शादी यही करेंगे या कोई बड़ा घर देखना होगा? इस बारे में तो कुछ सोचा नहीं हमने। जी, मेरा मतलब है, अगर लड़के वाले लंबी चौड़ी बारात ले आए तो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरी नाज के लिए लड़का आपने तलाश कर लिया है। जी मैं क्या तलाश करता, उसने तो खुद तलाश कर लिया है। क्या, कौन है वो लड़का? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिएगा। मेरी नाज तो हया की मूरत है, वो हमें कुछ नहीं बताएगी। आप क्यों नहीं बता देते कौन है वो? जी जी, लड़की खुलकर तो बात नहीं कर सकती, लेकिन बातों बातों में उसने मुझसे कहा कि आप जैसा शरीफ आदमी मिले तो मैं शादी कर लूंगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं ना? आप एतराज की बात कर रहे हैं, हमें तो अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आ रहा। तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझ लूं? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। जी, मैं अम्मी से बात कर लेता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा। अरे बीबी, अस्सलाम वालेकुम बीबी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? खैरियत। अजी बेरुखी है साहब। उनको दुआएं दो, तुम्हें का दिल बना दिया। सलाम चाचा। जीती रहो बेटी। अकेली आई हो? जी। कोई खास बात? वो आपका भतीजा बहुत दिनों से नहीं आया। हाँ, काफी दिन हो गए। वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा। मैंने कई बार एक भयानक सपना देखा है, उसे किसी ने गोली मार दी। तुम्हारा सपना बेबुनियाद नहीं था बेटी, उसे सचमुच गोली लगी थी। अपने आप को संभालो बेटी, मामूली जख्म था। वो ठीक है, वो ठीक है बेटी। सच कह रहे हैं? मैं झूठ कहूंगा बेटी। तो फिर खाइए कसम। मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूं बेटी, वो अब ठीक है, वो जल्दी आ जाएगा। तो मैं बेफिक्र होके जाऊं? हाँ बेटी, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सच्चे दिल से निकली हुई दुआ जरूर कबूल करता है। पाक परवरदिगार, तुम तो सरापा मोहब्बत हो,
तुम्हारी मोहब्बत और रहमत के भरोसे अपने महबूब से ब्याह करने जा रही हूँ, तुम ही शाहिद रहना। परवरदिगार से यही दुआ मांग रही थी कि तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ, मेरी आंखें खुली तो तुम सामने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी दुआएं कबूल हुई। चाचा ने बताया तुम्हें गोली लगी थी, बहुत दर्द हुआ होगा। मामूली जख्म था, ठीक हो गया। मामूली जख्म था? गोली रुई या कपड़े की बनी हुई थी क्या? तुम झूठ बोलते हो, मुझे दिखाओ, मैं देखूंगी। ये क्या पागलपन है? कह दिया ना, जख्म जो भी था भर गया। तेरी नजरों का जख्म होता तो शायद कभी नहीं भरता। गोली का था, ठीक हो गया। बहुत बनाते हो मुझे, कान खोल कर सुन लो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने काजी साहब का घर भी देख लिया है, आज ही उनके हाथ पांव जोड़कर अपनी शादी करवा देने को कहूंगी। आज ही? गुड़ियों की शादी है क्या? तुम मजाक उड़ा लो, मगर अब तुम यहीं रहोगे। ये लोग मुझे यहाँ रहने देंगे क्या? तो फिर हम उस पार चले जाएंगे। वहाँ के लोग तुम्हें रहने देंगे क्या? यहाँ नहीं रहने देंगे, वहाँ नहीं रहने देंगे, तो फिर कहाँ रहेंगे? एक दूसरे के दिल में, यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत है। हुकूमत वाले पहले अम्मी और अब्बू की दुआएं तो ले ले। हाँ अम्मी, आपका ख्वाब सच होने वाला है, बस दुल्हन का जोड़ा और सेहरा तैयार कर लीजिएगा। नाज, जल्दबाजी में अपनी जिंदगी का फैसला मत करो। मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, आगे पीछे की भी सोचो नाज। बड़े बुजुर्ग बिहार के रहे होंगे, अब वो हमारे सर जमीन पर है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए। जी अम्मी, मुसलमान है। अब्बू, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले के बारे में। हमें तेरी जिंदगी के फैसले के बारे में पता लग चुका है। हमें बहुत खुशी है बेटे, तूने अपना घर बना लिया, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला भी खुद ही कर लिया। खुदा तुझे खुशियाँ दे। मैं अभी अभी खुदा से यही दुआ मांग रही थी कि खुदा तेरे दिल की हर मुराद पूरी करे। जी मम्मी, बहुत पसंद है। खुदा ने मुराद पूरी कर दी माँ, अब आप दोनों ने खुशी की माहौल लगा दी तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती। नाज, जरा इधर देखना, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें, तुम तो भेंगी हो, और तुम्हारा ये नाक, ये तो टेढ़ा है। तुमसे जो निकाह करेगा या तो अंधा होगा या दीवाना। क्या कहा तुमने? रुको। तो एक काम कीजिए अम्मी, परसों चांद की चौदहवीं है, छत पे जाके चांद जरूर देख लेना, चेहरा नजर आएगा उसका। मैं भेंगी हूँ? नहीं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मेरी नाक टेढ़ी है? आपकी नाक बहुत सीधी है। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? अरे, आपसे कोई भी शादी कर लेगा। अच्छा, मैं बताती हूँ। अरे, तुमने तो घर बना लिया। आंखें बंद करो, कुछ मत देखना, चलो चलो बाहर चलो, जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर नहीं आना। नाज, दुल्हन, शादी का जोड़ा तेरे लिए भी है, पहन ले। मगर क्यों, क्या हो रहा है? मैंने कहा ना पहन लो। ये क्या पहना दिया मुझे? अच्छे लग रहे हो जी, घर कैसा लगा? तुमने तो बिल्कुल अब्बू के घर की तरह बना दिया। वो इसलिए कि जब तुम यहाँ रहोगे तुम्हें हिंदुस्तान की कमी महसूस न हो। क्या सोच रहे हो? लगता है मेरा ही सपना चुरा के मेरे सामने रख दिया। क्या मैं भी उस सपने में कहीं थी? तुम ही तो सपना। रात हो गई,
अभी नहीं गया तो सुबह तक नहीं जा पाऊंगा।
चले उन्हें क्या डराएंगे फासले। हमें जाना है दिल के नगर, मेरे पास आ मेरे पास आ, मेरे हम सफर मेरे हम सफर, मेरे पास आ मेरे पास आ। तक रफीजू को नहीं पहुंचा उन लोगों को लेकर। कमाल है, बच्चा मेरा नहीं पहुंचा और फिक्र में तू मरा जा रहा है। अरे तेरे बेटे के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहता है। मुझे चिंता उनकी है जिनको लेकर वो आ रहा है। तू जानता है उन्हें? ऐसा ही समझ ले, उनमें से एक बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब? मतलब हमारा ये जो पूरा कारोबार है उसे एक आदमी के सहारे पर चलता है। हाँ, बहुत बड़ा आदमी है तो लगता आ रहा है वो। हाँ भैया, आओ जो महाराज, बताओ महाराज। बहुत दिक्कत। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं हुई जी? मक्कड़। हाँ जी हाँ जी, मैं जान मोहम्मद जानता हूं। जानते? लेकिन हम तो पहले कभी नहीं मिले। आइए हमारे नए घर की छत पर चलकर बात करते हैं। कौन है ये लोग? जी मैं जानता नहीं, पर जो भी है ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये रिफ्यूजी बिल्कुल नहीं है, कुछ और ही है। इन्होंने रास्ते में मुझसे मारपीट की, झगड़ा किया, जबकि गलती इनकी थी। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। माचिस की तीली की रोशनी रन में कई मीलों तक दिखाई देती है, और अगर दिख जाती ना तो हम सब के सब मारे जाते हैं। तेरे साथ मारपीट की? कोई चोट तो नहीं आई तुझे? कुछ खास नहीं। हाँ जी, आराम से बैठो वापस। एक मिनट, मेरा बच्चा कह रहा है तुमने इसके साथ मारपिटाई की। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रास्ता जानता था इसलिए छोड़ दिया। आमतौर पे ऐसे लोगों को हम गोली मार देते हैं। ए! तो मुझे गोली मारेगा? हाँ गोली। क्या गोली मारेगा, किसको डराता है तू? हाँ मार! भाई भाई शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे बेटा ऐसा नहीं कर, जान मोहम्मद बैठो। अरे बेटा क्या हुआ मेरे बेटे? अरे भाभी आ गई। अरे भाई ये जान मोहम्मद की बेगम है और ये उनके छोटे साहबजादे। भाभी बैठो आप, भाभी बैठो आप, बैठो भाभी बैठो, आराम से बैठो। भाई जवान लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, थोड़ा खून गर्म हो जाता है, माफ करना। जाल में फंसी चिड़िया जब फड़फड़ाती है ना तो अपने ही पर तोड़ती है, जाल को कुछ नहीं होता, समझे? हम यहां झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम जानते हैं हर काम के दाम होते हैं, कोई मत दे रहा हूं ना। ये देख, नहीं चाहिए तेरा ये पैसा। अरे अरे अरे, 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 अरे बावड़ू हो गया। देखो इतने पैसे। अरे दो पैसे।
अरे भाभी ये देख, इतने सारे पैसे तो तेरे चार पुस्तों ने भी नहीं देखे होंगे। रख ले। अरे घर में लक्ष्मी आई है। रख ले, रख ले। अब वो आप रहने दीजिए। अरे रख ले, रख ले। अरे तो पागड़ हो गया। जाओ जाओ जाओ। घासुनी तो होती रहती है। अरे बुरा मान जाता। भाभी तू जा, रख ले जा। जीते रहो बेटे। अब बताओ भाई प्रोग्राम क्या है? ये तीनों दिल्ली की गाड़ी में जाएंगे। अच्छा जी। इन्हें आज ही गाड़ी चलाना होगा। हो जाएगा जी। मेरा बेटा बहुत थका हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। जा बेटा तू कुछ खा पी कर आराम कर जा। मैं गाड़ी पे चढ़ा। बस मत कर, तू कहीं नहीं जा रहा। अबू मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। हाँ चला जाएगा, बहुत तेज लौंडा है। सलाम साहब। इतने सारे पैसे किस लिए? टिकट खरीद ले, बाकी जो बचे रख ले। रख लूं? ये तो 10,000 का बंडल है साहब, इसमें से तो बहुत बचेंगे। जहाँ से ये बंडल आया है वहाँ ऐसे बहुत हैं। काम करता रहे, बात मानता रहे, ऐसे बंडल बरसते रहेंगे। सलाम साहब। और तुम? मैं अब इसी गांव में रहूंगा। तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस गांव में बीएसएफ वाले वक्त बेवक्त आकर गिनती करते रहते हैं, और मैं मुखिया हूँ यहाँ का। एक भी आदमी ज्यादा मिला तो क्या जवाब दूंगा उनको? मिस्टर जान मोहम्मद, गहरे पानी में उतरने के बाद डूबने से घबराना बेकार है। मक्कड़। हाँ जी। ये आदमी कौन है? जी हमारे गांव में रहता है। नाम क्या है? हैदर। अच्छा नाम है। हाँ जी। बुला इसे ऊपर। हैदर जी। अरे ऊपर आ। अरे दौड़ के आ, क्या चल चल के आ। जी आया। अरे आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आजा भाई, तेरे से मिलना चाहते हैं। खुशामदीद हैदर अली, खुशामदीद। ले जान मोहम्मद, तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी मैंने। अब हैदर भी जिंदा रहेगा और गांव की गिनती भी पूरी रहेगी। आज से मेरा नाम हैदर अली। मक्कड़। हाँ भाई। लाश ठिकाने लगा दे। हो जाएगा भाई। अरे शादाब हाथ लगा। ये आकाशवाणी है। गांधीधाम से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बम फट गया है, सैकड़ों जाने जाने का अंदेशा है। उसी समय टीटीसी बस में भी एक धमाका हुआ, उस पार से आने वाले आतंकवादियों का हाथ लगता है। घायलों को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। फिरोजपुर गांव में बांध के टूट जाने से बाढ़ आ गई है, इससे जानो माल को काफी नुकसान पहुंचा है। कई आस पास के गाँव भी बाढ़ की चपेट में आ गए। इतनी रात को कौन आ गया? सलाम अलैकुम मम्मी। सलाम अलैकुम अब्बू। मेरा बेटा मर गई तेरी माँ, कहाँ चला गया था? अरे मैं तो दिल्ली गया था। क्यों मकर ने नहीं बताया आपको? अरे मगर तू गया क्यों, किससे पूछ कर गया था? तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं? अरे अब्बू नाराज क्यों होते हो? अब्बू जरा ठहरो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो कितने सारे पैसे कमा के लाया हूँ मैं। गिन लो पूरे 1,00,000 रुपए। गिन लो। मेरा बेटा। हाँ। ऐसा क्या काम किया तूने जो तेरी इतनी कमाई हो गई? मैंने आतिशबाजी की अब्बू, आतिशबाजी। आतिशबाजी? क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा अब्बू, मैं तो सच कह रहा हूँ। तुम्हें याद है ना उन लोगों को जिन्हें मैं दिल्ली की गाड़ी में बिठाने चला गया था? मैं उनके साथ दिल्ली निकल गया। अब दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने मेरे हाथ में एक पोटली दे दी, मुझसे कहा जाओ एक ट्रेन के डब्बे में रख दो। सो मैंने रख दी, बस इतना ही। बस क्या? बस अब्बू उसके बाद आतिशबाजी। धमाका हुआ था? अरे क्या कह रहे हो अब्बू, धमाका हुआ? अब्बू ऐसा धमाका हुआ, अब्बू ऐसा धमाका हुआ, पूछो मत। और अब्बू इंसान ऐसे उड़ रहे थे, अब्बू ऐसे उड़ रहे थे जैसे इंसान नहीं कोई खिलौने हो, खिलौने।
अबू कसम से अबू, मैं आपको कहता हूँ, मैंने आज तक अबू ऐसा कभी नजारा नहीं देखा। अबू क्या नजारा था, अबू क्या नजारा था। अबू कसम से अबू, बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। मैं पूछती, बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं हो जानू? किसे पूछ रही है? जान मोहम्मद मर गया, आमना तुम मेरे जीते जी बेवा हो गई, मर गया तेरा शहर। क्या बक रहे हो? देख मैं आवारा और बदमाश बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन गद्दार कभी नहीं। इसलिए आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर गया और तेरा शौहर तेरे लिए मर गया, बस जा रहा हूं मैं। नहीं जान मोहम्मद, तू नहीं जाएगा, चल मेरे साथ। जाएगा ये मेरी कोख का कलंक। अम्मी ना मुराद, मेरे दूध का ये सिला दिया है तूने, चला जा यहाँ से, अपना मुंह काला करके चला जा। आज से तू हमारे लिए मर गया, चल जान मोहम्मद। अरे शादाब, तुम कब आए? क्या हुआ अबू? शादाब बाहर मिला था, हाथ झटक कर चला गया, हुआ क्या? वो हम सबका हाथ झटक के चला गया। मतलब? ज्यादा सवाल मत कर, बात को ही खत्म कर। आइए रघुवीर साहब, तशरीफ रखे। शुक्रिया। बातचीत शुरू करने से पहले हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं, गोड़ गोड़ खा आणि गोड़ गोड़ बोला। हाँ बालूशाही, तो आपने अपना वादा पूरा किया। हाँ गोड़ गोड़, मीठा मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो, ठीक? बहुत अच्छे, हम मराठी भी समझते हैं। अगर न भी समझूं तो ये बालूशाही समझा देगी। ओह, तो आपने अपना वादा भी पूरा किया। बेशक सिवैया, बालूशाही खाकर मजा आया होगा आपको। बहुत ही लजीज है। इसमें हिंदुस्तानी खून जो मिला हुआ है। ये क्या फरमाया आपने? शुक्रिया। दिल्ली से कोयम्बतूर तक जब बम फटेंगे तो हिंदुस्तान का खून बहेगा। दो चार छींटे ओढ़कर यहां तक तो पहुंचेंगे ना। रघुवीर साहब, इल्जाम लगाने से पहले इतना तो सोचा होता कि दहशतगर्द पेशावर से लेकर कराची तक खून की होली खेल रहे हैं। ये सिवैया जो आप खा रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी खून में पकी हुई है। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इल्जाम दे रहे हैं। अरे नहीं 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 रघुवीर साहब, हम तो आपका मुंह मीठा करवा रहे हैं। अशरफ भाई, दोस्ती की तरह दुश्मनी भी एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। पहले दिन से आप लोगों ने सिर्फ दुश्मनी कमाई है। अशरफ मियां, ये आपकी भूल है, हमारे यहां सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जब बेटा जवान हो जाता है, अलग रहना चाहता है, तो हम उसे अलग घर दे देते हैं। लेकिन आप लोगों को अलग घर मिलने के बाद भी चैन नहीं? आप लोग चैन से जीने दे तब ना। वैसे भी रोज रोज के खींचातानी में आप लोगों ने हमारे एक बाजू ही तोड़ दिया,
वही जिसे आज लोग बांग्लादेश कहते हैं। हो बदला अशरफ मियां, हमने किसी का बाजू नहीं तोड़ा, मगर इस बदले की भावना में खून बहेगा। सैकड़ों मासूमों का हमारे यहां भी और आपके यहां भी। इसीलिए तो कहता हूं दोनों मुल्कों को सोचना होगा, इन इंसानियत के दुश्मनों को रोकना होगा। इंसानियत के दुश्मन मुट्ठी भर आतंकवादी नहीं, ये तो भाड़े के टट्टू हैं। असली दुश्मन तो वो हैं जो इन्हें भाड़े पर लेते हैं, जो नहीं चाहते कि हम हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहें। वो चाहते हैं कि हम लड़ते झगड़ते रहें ताकि असली दुश्मन से ध्यान हट जाए। रघुवीर साहब, मुश्किल तो यह है कि असली दुश्मन को कोई नहीं पहचानता। असली दुश्मन है भूख, गरीबी, लाचारी, और इन सब के जिम्मेदार हैं हम। और जो जंगी सामान बेचते हैं, 800-800 करोड़ के प्लेन्स जहाज खरीदते हैं एक दूसरे पर बॉम्ब गिराने के लिए, ये नहीं सोचते कि इतने रुपयों से हम कितने स्कूल बना सकते हैं, कितने अस्पताल बना सकते हैं। खैर, मुल्क भी बड़े बड़े हैं और बॉर्डर भी लंबे चौड़े, लेकिन हम दोनों इतना तो कर सकते हैं, हम हमारे इलाके से इन इंसानियत के दुश्मनों को दूर तो कर सकते हैं, रोक तो सकते हैं। यही तो हम आपसे कहने आए थे। बेहतर यही होगा कि कल से ही बॉर्डर के आसपास के गांव की चेकिंग शुरू कर दें। इधर आइए, आगे बढ़ते रहिए, चलिए चलिए चलिए। हेलो हेलो, सभी लोग आ चुके हैं सर, गिनती पूरी है। जान मोहम्मद, इस गांव का मुखिया, क्या काम है मुखिया का? जी, गांव और गांव वालों को संभालना। चाहे वो चोर चक्के, देशद्रोही या गद्दार क्यों ना हो। क्या फरमा रहे हैं आप साहब? जान मोहम्मद, दुश्मनों को पना देने वाला भी वतन का दुश्मन होता है, और ऐसे लोगों को गोली मार देने का हक मुझे दिया गया है, समझ गए? जी साहब। तुम फिर कोई जानवर भटकते हुए रण पर नहीं गया ना, नमक चरने? जानवर तो भटकते रहते हैं साहब, मुंह उठाकर कहीं भी चल देते हैं। ख्याल रखना, ऐसा ना हो जानवर भटकते भटकते सरहद पार कर जाएं और तुम्हें उनकी तलाश में जाना पड़े। जानवर इतने ना समझ भी नहीं है साहब कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। तुम ठीक कहते हो, जानवरों पर भरोसा किया जा सकता है, इंसानों पर नहीं। तुम कौन हो? मैं पहले कभी नहीं देखा। ये इसी गांव का है साहब, नाम हैदर है, सामने चौबार पर ही रहता है। गूंगा है क्या? जी नहीं सर। तो फिर बोलता क्यों नहीं? तो मेरे सवालों का जवाब क्यों दे रहे हो? फकीर किस्म का आदमी है सर, ज्यादा किसी से बोलता चलता नहीं है, ना ही कहीं आता जाता है, यहीं कोने में पड़ा रहता है बस। क्या खिचड़ी पकाते रहते हो कोने में अकेले पड़े पड़े? ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। कीप एन आई ऑन हिम, इस पर नजर रखना। सर। बहुत नेकी का काम करते हो जी, मझधार में फंसे रेफ्यूजियों की नाव पार लगाते हो। क्या बात कर रहे हो साहब जी, मैं आपको मल्लाह दिखता हूं, वैसे भी पानी से मुझे बहुत डर लगता है। साहब आप गरीबों पे हाथ उठा रहे हो,
साहब हम बेकसूर लोग हैं। चिंता मत करो, मैं बाद में हाथ गंगा जल से धो लूंगा। ले चलो इसे अंदर पूछताछ के लिए। चल चल। आगे तक दीवार के सहारे खड़ा कर दो। यहां से आओ, यहां से। यहां से चलो, यहां से ले चलो। ऐ खेलेगा नहीं साला, सीधा खड़ा हो। हाथ ऊपर कर, ऊपर कर। तू भी सीधा खड़ा हो, ऊपर कर। चलिए सलमान, रशीद, अब्दुल रहमान, फाहिम, फिरोज, मंजूर अहमद, अता मोहम्मद, मुश्ताक, आरिफ, रफीक, इकबाल। गिनती हो गई है सर, सब बराबर है। गुड, अब आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। राइट सर। नाम? खुदा बख्श। क्या कहा? खुदा बख्श। जी। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं है कि हम असल खुदा बख्श को जानते हैं। कहाँ रहते हो तुम और असल खुदा बख्श कहाँ है? साहब मैंने कहा ना, मैं ही असली खुदा बख्श हूँ। तुम तो बांग्लादेशी हो ना, फिर ये पाकिस्तानी होने का ढोंग क्यों करते हो? चोरों की तरह रन पर से भाग कर आए हो, ना कागज है ना पत्थर। यहां आते ही मकान ले लिया, घर भी बसा लिया। कहां से आया इतना पैसा? हिंदुस्तान से ना, मैं जानता हूं। तुम जरूर हिंदुस्तानी दहशतगरों की मदद करते होगे। सब सच बता दो, वरना सच उगलवाने के सारे तरीके मुझे आते हैं, समझे? हाँ, ये हकीकत है कि हम बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि वहां इज्जत की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था। वो हमें हकारत की नजर से देखते हैं, वो समझते हैं कि 71 की लड़ाई में हमने पाकिस्तानी फौजों का साथ दिया था, और तुम पाकिस्तानी हमें गैर समझकर दुत्कारते हो, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के तकसीम के वक्त हम मशरकी पाकिस्तान में चले गए थे। अरे वो भी पाकिस्तान था, क्या हिंदुस्तान? वो तो तकसीम के वक्त ही छोड़ चुके थे। आज हम बेवतन हैं, कोई हमें बांग्लादेशी समझता है, कोई पाकिस्तानी तो कोई हिंदुस्तानी, इंसान कोई नहीं समझता। मैं पूछता हूं, रिफ्यूजी होना गुनाह है क्या? रिफ्यूजी अपनी औलाद और अपने लिए बेहतर जिंदगी का ख्वाब नहीं देख सकता? अरे रिफ्यूजी आदम हुआ की औलाद नहीं, वो खुदा का बंदा नहीं है क्या? भाषण अच्छा दे लेते हो, दो चार दिन हिरासत में रहोगे तो सारे भाषण भूल जाओगे। ले जाओ से। कौसिफ मियां, जाने दीजिए इन्हें। क्यों? इसलिए कि ये खूबसूरत लड़की का बाप है और वो लड़की आपकी मंजूरे नजर है। तौसीफ? ये वही तौसीफ है जो एक दिन एक बेसहारा लड़की को पनाह देना चाहता था और आप दीवार बन के खड़े हो गए थे, और खुद आज क्या कर रहे हो? इसकी खूबसूरत लड़की को दुल्हन बनाने की ललक में जुर्म की ओर से आंखें बंद कर रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो तौसीफ अहमद। अपने साथी अफसर पर हाथ उठाने से पहले दो बार सोच लीजिए। आप कोर्ट मार्शल को दावत दे रहे हैं, वो भी उस लड़की के लिए जो ना तो आपसे मोहब्बत करती है
और ना ही आपसे शादी करेगी, जो पहले ही अपना तन मन किसी और को दे चुकी है। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? यदि मैं बक रहा हूं तो पूछ लो इन्हीं से। ये झूठ बोल रहा है अशरफ मियां। आपने हमें इज्जत बख्शी, नाज़नीन ने आपको पसंद किया। नाज़नीन मेरे साथ आओ, इन्हें बताओ कि जो कह रहा है झूठ है गलत है। बोलो, बोलती क्यों नहीं? बताओ इन्हें कि जो कह रहा है गलत कह रहा है। अरे बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोल। अबो, आपने खुद मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी रेफ्यूजी से करवाएंगे, फिर क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? नाज़ो, तू झूठ बोल रही है। खुदा गवाह है, तूने ही अशरफ को पसंद किया था। अब तुझे क्या हो गया? अम्मी, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कसम पाक कुरान की, मैंने सिर्फ रेफ्यूजी को चाहा है, और अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। नाज़ो, नहीं तो इस घर को आग लगा दूंगा। दरवाजा खोल मेरी बच्ची, खोल। नाज़ो, दरवाजा खोल। नहीं अम्मी। ये आप क्या कर रहे हो? रुक जाइए। छोड़ो मुझे। बन जाओ तुम। रुक जाइए, रुक जाइए। आप फट जाइए। क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। मैं नाज़नीन को दुल्हन बने देखना चाहता हूं। लाश नहीं, छुपी ऐसे। देखो ना इसे क्या हो गया। इस पेड़ को देखो, इसी ने हमारे प्यार को पना दी थी। अब ये गिर चुका है। जब ये गिरा तो मुझे महसूस हुआ कि कुदरत का इशारा है कि मेरा प्यार कभी वापस नहीं लौटेगा, मेरी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगी, मेरा प्यार कभी परवान नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इसी दरख्त में फिर से बाहर आएगी। आएगी ना, कहो ना। हाँ। तुम पर जो बीती है मैंने वो सब सुन लिया। अदा चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो मुझे यहां से ले चलो, मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। तुम एक पल भी मेरी नजरों से दूर मत जाना। मुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले चलो।
मगर तुम्हारी अम्मी और अब्बू, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ और वो मेरे लिए। खबरदार जो ऐसा कहा तो। तुम नहीं जानती बिन माँ बाप की औलाद कितनी तनाव होती है। एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी सकोगी? मैं हमेशा से तुम्हारे सुख दुख की हिस्सेदारी चाहती रही हूँ, यहाँ तक के रेफ्यूजी की जिंदगी के भी। तो फिर ठीक है, अजी सुनते हो, गजब हो गया। अब क्या हुआ? हमारी नाजू उस कमबख्त रिफ्यूजी के साथ भाग गई। जहन्नुम में जाने दो उसे, कब की मर चुकी है मेरे लिए। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, कभी तो सोच समझ कर बात किया करो, आखिर नाजो हमारी इकलौती औलाद है। तो क्या करूं, अपनी इज्जत की लाश लेकर किसके दरवाजे पर जाऊं कि इसे कफन पहना दो। देखो रेफ्यूजी को खतरों की आदत है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी सलमा की अम्मी और अब्बू की तरह सरहद पर गोलियों का शिकार बन जाए। पुलिस के पास तो मैं जा नहीं सकता। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, मोहम्मद अशरफ। लगता है नहीं किसी ने खबर कर दी थी। चलो भाग चले। रुक जा नाजो, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। सलाम साहब। कहाँ मिले दोनों? दोनों सरहद पार करने ही वाले थे कि हमने गिरफ्तार कर लिया। ले आओ। जी साहब। बड़े तेवर दिखा रहे हो शहजादे, तुम जानते हो जिस जगह पर तुम खड़े हो वहां तुम्हें खड़े होने का हक भी नहीं है। क्यों नहीं? क्या ये अल्लाह पाक की बनाई हुई धरती का हिस्सा नहीं है? तो तुम यही समझकर मुहाजिरों को उस पार से इस पार और इस पार से उस पार ले जाते रहे हो। भटकते हुए मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना गुनाह है क्या? मतलब बड़ा नेक काम कर रहे हो, तो तुमने हत्यारों को भी मंजिल तक पहुंचाया होगा, दहशतकारों को भी रास्ता दिखाया होगा। क्यों? मैंने कभी किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देखा इंसान अच्छा है या बुरा। सिर्फ इतना जानता हूं कि खारे पानी में बना यह रास्ता अल्लाह मियां ने बनाया है तो आने जाने के लिए। मतलब तुम किसी कानून को नहीं पहचानते हैं, किसी सरहद को नहीं पहचानते, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को भी नहीं पहचानते। हिंदुस्तान पाकिस्तान होंगे साहब, मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। मतलब तुम समझते हो कि हिंदुस्तानियों में और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं? होगा साहब, पर मैं इसे समझ नहीं पाता। अब आप ही बताइए, मेरे अब्बू और चचा साथ साथ रहते थे, दो भाई थे। चचा इस तरफ आगे रहने के लिए तो भाई से पड़ोसी बन गए। रहने की जगह बदल जाने से भाई भाई नहीं रहता क्या? तुम जितने भोले बनते हो उतने हो नहीं। चंद रुपयों के लिए खुद की जान तो बार बार जोखम में डालते रहते हो, लेकिन इस बेचारी जान का तो ख्याल किया होता। बस लेके चल दिए ये जानते हुए कि रन में कदम कदम पर मौत खड़ी है। मोहब्बत में जाने अलग अलग कहां रह जाती हैं साहब, एक हो जाती हैं। नहीं, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते।
इसे अंदर ले जाकर बुलवाना होगा। ये अपने दोस्तों के नाम भी बताएगा और गिरोह का पता भी बताएगा। ये कोई गलत काम नहीं कर सकता, इसका कोई गिरोह नहीं। तुम तो खामोशी रहो तो अच्छा। खुदगर्जी और बेदर्दी की तस्वीर हो तुम। दूसरों के जज्बात का एहसास ही नहीं है तुम्हें, दूसरों के दर्द का ख्याल ही नहीं। ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी। पल पल मरती रहेगी तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप उम्र भर इज्जत के लिए रोता रहेगा। मैं बेदर्द हूँ तो दर्दमंद कौन है? आज तक किसने मेरे दिल में झांक कर देखा है, अम्मी ने या अबू ने? प्यारी तो किया है मैंने, कौन सी क्या मत ढाई है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि शादी के बगैर मोहब्बत गुनाह है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मोहब्बत के बगैर शादी उससे भी बड़ा गुनाह है। तुम नाज़नीन, तुम अपनी बेहयाई पर काबू रखो तो ही अच्छा है। बस मियाँ, मैं नाज़नीन को उसके घर ले जा रहा हूँ। इसके बाप से वादा किया था मैंने, फरियाद लेकर आए थे मेरे पास। आप रेफ्यूजी को ले जाकर सिपाहियों के हवाले कर दीजिए, वो सच उगलवाना खूब जानते हैं। ओके सर, ले जाओ इसे। चलो नाज़नीन, छोड़ दो इसे। नाज़नीन, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। नाज़नीन छोड़ दो। नाज़नीन चलो मेरे साथ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पहले ही आप लोगों ने इसके साथ काफी मारपीट कर ली, मुझसे वादा करो कि आप इसे सही सलामत हिंदुस्तान भेज देंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी जान दे सकती हूं। चलो चलो ले जाओ इसे। फंस गया ना सुअर के बच्चे के माफिक, नहीं निकालो सुअर के बच्चे को बाहर। आहिस्ता आहिस्ता, आशिक का जनाजा है, जरा प्यार से निकले। ओए छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अरे तू यार है मेरा यार। ओए तू कमाल कीता। अरे तेरे नाल बहुत मोहब्बत है लाले। अरे अशरफ दी महबूबा नू लेवड़ा तू, मजा आ गया। नफरत करता हूं मैं तेरे से, जानता है क्यों? ये हिंदुस्तानी खून है तेरे अंदर। हिंदुस्तानी खून को गाली देता है, मेरी धरती को गाली देता है, धरती को गाली देता है। तोड़ दो सारे की टांगे, मारो। उठ खमीरे, उठ उठ। अबे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, समझा? उठ हिंदुस्तानी काफिर, उठ। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, ठंडा करता हूं तुझे। हट कभी नहीं, हट।
झंडा। क्या ये वही ऊँट है जो हिंदुस्तान आता जाता रहता है? जी जनाब, ये ऊँट रण को पार करना अच्छी तरह जानता है। तो ठीक है, ये आशिक के जनाजे को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा देगा। आरडीएक्स पहुंचेगा हिंदुस्तान के गद्दारों के नाम, संत राम। भेज दो इसे। संतराम, क्या मिला? हाँ, क्या मिला इसके पास? वो आरडीएक्स मिला इसके पास से। आरडीएक्स? जी सर। उठाओ इसे। जान बहुत था बेटा, बेहोश है। इसके पास आरडीएक्स कहाँ से आया? खैर, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे अस्पताल ले चलो, पूछताछ बाद में करेंगे। तौसीफ साहब, आपको अपनी पीर मुर्शिद का वास्ता, मुझे बता दीजिए मेरा रेफ्यूजी कहाँ है। मैं पूछ पूछ के हार गई, बताइए ना। इस वक्त वो कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर वो जिंदा तो है ना। यूं समझ लीजिए कि आपकी दुआएं और अल्लाह के करम से उसकी जान बच गई, वरना अशरफ ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अशरफ? जी हाँ, पहले अशरफ ने उसके हाथ पैर तोड़े। और फिर एक ऊंट पे लाद के हिंदुस्तान के रास्ते छोड़ दिया। मगर क्यों? सर, नाज़िन आपसे मिलना चाहती है। सर, आप मिल सकती हैं, चलो। कहो। वो कहाँ है? कौन? वही जिसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर आपकी रूह को तस्कीन हुई। कहाँ है वो? इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुमने मुझे जिंदगी के वो हसीन ख्वाब क्यों दिखाए जिसके टूटने पर मेरे अंदर का इंसान ही टूट गया। पाक परवरदिगार जानता है कि मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं। मैं आपसे हंसकर बोलती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको एक नेक और शरीफ इंसान समझती थी, मगर आपने वही देखा जो आप देखना चाहते थे, वही सुना जो आप सुनना चाहते थे, वही समझा जो आप समझना चाहते थे। अशरफ साहब, मुझे इल्जाम देकर आप अपने आप से नहीं बच सकते। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, रेफ्यूजी कहाँ है, जिंदा है या? हमने उसे आजाद कर दिया, भेज दिया उसे हिंदुस्तान। हाथ पांव तोड़कर? आप तो उस बच्चे की तरह हैं जो खिलौने के लिए जिद करता है, और वही खिलौना किसी दूसरे बच्चे के हाथों में देखकर बिफर जाता है।
आपने अपने हाथों से उसके हाथ पैर तोड़े हैं ताकि वो कभी वापस ना आ सके। तौसीफ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने हमारा दिल दुखाया है। हसद या जलन के तहत तलवार उठाने वाला कातिल है, गुनहगार है। उसके बंदों का दिल दुखाने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। आपने तो उसका दिल दुखाया है जिसकी मोहब्बत का दम भरते थे आप। आपका जमीर आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैंने रफी जी के हाथ पांव तोड़े थे। हाँ वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? आपकी तरह उस तरफ के फौजियों ने। रेंजर्स, उठते बैठते अगर तुम उनका कानून तोड़ोगे तो तुम्हारी टांग तो तोड़ेंगे ही। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। तुम्हारे पास तो RDX भी था। जी क्या था? RDX बम।
तबाही का सामान। भोले मत बनो, जब हमारे आदमियों ने तुम्हें ऊंट से उतारा था तो तुम्हारे पास इतना आरडीएक्स था जो शहर के शहर गांव के गांव उड़ा सकता था। बोल हां या ना, हां या ना, जवाब दो। मेरा विश्वास कीजिए साहब, जब मैं वहां से चला था तो मेरे पास मेरे प्यार के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं उसी प्यार की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। विश्वास कर भी लो तुम्हारी बात का, लेकिन यह तो सच है ना कि तुम आतंकवादियों को उस पार से इस पार लाते हो? लाया था यह समझकर कि वो लोग आम रिफ्यूजी हैं, मगर खुदा कसम बिल्कुल नहीं जानता था कि वो लोग कौन हैं, उनके इरादे क्या हैं। जानते भी कैसे, पैसे जो मिल गए थे, पता है दूसरे दिन उन लोगों ने क्या किया? ट्रेनें उड़ा दी, बसें उड़ा दी, बिल्डिंग उड़ा दी, सैकड़ों मासूमों की जानें गई हैं, छोटे बड़े, औरतें मर्द बूढ़े बच्चे, सबके सब तुम्हारे अपने, हमारे देशवासी, इसी धरती के बच्चे। उनकी चीखें नहीं सुनी तुमने? नन्हे मुन्ने बच्चों की मौत की हिचकियां नहीं सुनी तुमने? पैसों की झनका ने तुम्हारे कानों को भैरा कर दिया ताकि इंसानियत की पुकार तुम्हारे पास की दीजा। बस मैं आपके सामने अपने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बस बस माफी मांगनी है तो उन माओं से मांग जिनके बच्चों को तूने मार डाला है, उन विधवाओं से मांग जिनके सुहाग तूने छीन लिए हैं, उन बच्चों से मांग जिन्हें तूने यतीम कर दिया है। जी मिलता, जी मिलता कि तुझे तुझे गोली मार दूं, गोली मार दूं। देशद्रोही, मार दो साहब, मार दो। जिन पैरों ने उनको निगार को उस पार से इस पार ले आए, इन पैरों के लिए सजा बहुत कम है साहब, बहुत कम है। अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी। मुझे मार दो, मुझे मार दो साहब, मुझे मार दो। पछतावे की इस आग में जलने से बहुत ही अच्छी हिसाब, मार दो मुझे, मार दो। कायर, कायर है तू, मौत की दुआएं कायर मांगते हैं, बहादुर नहीं। प्रायश्चित ही करना है तो हमारा साथ दे, उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाल, उन्हें खत्म करने में हमारी मदद कर। शादाब, तुम्हें पाकिस्तान का रास्ता मालूम है ना? हाँ साहब, रेफ्यूजी मेरा कुछ तो लगता है ना। हुजूर, ये देखिए, ये पहले को निशान बताते हैं, वो लोग पिलर के उस पार गए, शादाब ले गया होगा, वो भी रास्ता जानता है। बोल, हम जरूर पाकिस्तान निकल गए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं। मैंने डॉक्टर से बात की, वो कहता है बहुत जल्द तेरी हड्डियां जुड़ जाएंगी। हाँ अबू, हड्डियां तो कभी ना कभी जुड़ ही जाएंगी, मगर मेरे अंदर जो कुछ भी टूटा है ना, वो कभी नहीं जुड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। तुमने ऐसा क्यों किया अबू? मैं तो हमेशा तुम्हारा लाडला था ना। क्या किया मैंने बेटा? क्या किया है पूछो, क्या नहीं किया है? तुम तो हमेशा कहते थे ना मुझसे
कि तू मनकन दादा का अवतार है। तेरे हाथ में लाठी नहीं, पश्चिमी पीर का त्रिशूल है। रण पे भटकते हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है तू। बड़ा नेक काम कर रहा है, सबाब कमा रहा है, जबकि असलियत ये थी कि मैं उस पार से मौत ले आ रहा था। मौत, दहशतगर्द, बंदूकें, गोलियां, बम, सैकड़ों मासूम बूढ़े बच्चे और जवानों की मैं मौत का जिम्मेदार हूं। मैं मौत का, मैं तेरा लाडला, तेरा रिफ्यूजी, मौत का सौदागर बना दिया ना। मैं बताता हूं बेटा, सब कुछ बताता हूं। कुछ मत बताओ अब, कुछ भी मत बताओ, बस इतना कह दो कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ इसलिए ना कि मैं तेरा सगा बेटा नहीं। ऐसा मत कह बेटा, परवरदिगार मेरा गवाह है कि, और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुझे एक सच्चे बाप की तरह प्यार किया, शादाब से भी ज्यादा प्यार किया है तुझको। फिर ये सब वो इसलिए कि मैं तुझे जिंदगी की बदसूरत तस्वीर से दूर रखना चाहता था। तेरे भोलेपन में मुझे मेरा खुदा नजर आता था। जिस बदसूरत जिंदगी से तुम मुझे दूर रखना चाहते थे, उसी की बाहों में धकेल दिया मुझे। मैं जानता हूं मैं तेरा गुनहगार हूं। अगर हो सके तो उन चंद घड़ियों को याद करके जो हमने साथ साथ बाप बेटा बनकर गुजारी है, मुझे माफ कर देना बेटा। अगर मेरे मरने से पहले बेटा, ताकि मैं चैन से मर सकूं, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। आज फिर भाग रही थी सर, सरहद पार करने की जिद है। हिंदुस्तान जाने की जिद है या फिर मरने की जिद है? जिंदगी की जिद है, आप जानते हैं वो मेरी जिंदगी है। तुम इस बार, मैं उस बार, बस ख्यालों में बातें होती हैं। ये कंबक बॉर्डर क्यों हमारा दुश्मन हो रहा है? इसे मिटा नहीं सकते हम? ये तुम्हारी स्कूल की कॉपी में कोई खींची हुई लकीर है, जिसे रबड़ के साथ मिटा दोगी। अच्छा ये बताओ, तुम उस पार होते हो तो क्या करते हो? जानता हूं कि तुम उस पार नहीं आ सकती, मगर ये पवन जो तुम्हारे बदन को छूकर उस पार आती है, उसे अपने सीने में भरकर सांस बना लेता हूं। और मैं उस नदिया पर जाती हूं
जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, हमारे यहाँ भी बहती है। उसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लेती हूँ। लगता है तुम्हें चूम लिया। क्या कहा? रुको। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। वालेकुम सलाम। मैं उस दिन की गलतफहमी के लिए माफी चाहती हूँ। आप तो जान ही गए होंगे कि तौसीफ ने मुझसे झूठ कहा था। भूल जाओ उस बात को। तौसीफ को अपने किए की सजा मिल गई। मैं सिर्फ इतना कहना आया हूँ कि हिंदुस्तान में हाजी पीर का मेला आ रहा है। क्या तुम मेले में जाना पसंद करोगी? तुम मेरे साथ चलोगी, सलाम भी कर लेना और दुआ भी मांग लेना। मेरी झोली तो बाबा ने पहले ही भर दी है। मतलब? आपके रकीब की मोहब्बत की निशानी मेरे कोख में पल रही है। आप अभी भी मुझे साथ ले जाना चाहेंगे? आज़नीन, मोहब्बत करने वाले कभी मोहब्बत के दुश्मन नहीं होते। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलकर बाबा की चौकर पर भीख मांगूंगा। बहुत खूब,
बहुत खूब। शुक्रिया साहब, आपने वर्दी दे दी, गोली चलाना सिखा दिया, अच्छे और बुरे की पहचान करा दी। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें अच्छाई और बुराई पहचानने की शक्ति दी है तो बुराई को खत्म करने की ताकत भी देगा। आप ठीक कहते हैं सर। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर इजाजत दीजिए साहब, एक बार उस पार जाकर उसे मिलाऊं। बिल्कुल नहीं, उस पार जाने की बात भी नहीं सोचना। क्यों साहब? इसलिए कि तुम्हारी जान पहले भी कीमती थी, अब और ज्यादा कीमती हो गई है। कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। रेफ्यूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बात है मक्कड़, ज्यादा ही जल्दी में हो? घर छोड़कर जा रहे हो या गांव छोड़कर जा रहे हो? नहीं साहब जी, वो मैं यहां से बनारस गंगा मैली करते हुए कलकत्ता और उसके बाद अपने दोस्तों के पास बांग्लादेश। बहुत सारा आरडीएक्स और बहुत सारे आतंकवादियों को यहाँ ले आए हो। नहीं साहब जी, आपको गलत फहमी। रेफ्यूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरा खेल खत्म हो गया है। साहब जी, गलत फहमी हुई आपको। रेफ्यूजी तो बच्चा है हमारे काम का। साहब तो वो जो तुम्हारा गांव है उस पार जहां तुम्हारा भाई जान मोहम्मद रहता है, उस गांव में आज भी ज्यादातर हमारी कौम के लोग रहते हैं ना? जी हां, 10 में से 9 मुसलमान हैं। अता मोहम्मद, अगर अस्ताल कोर्ट भी पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा हुजूर। इस नेक काम में आपको हमारा साथ देना होगा। अता मोहम्मद, ईमान की राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं साहब। ठीक है, कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान में हाजी पीर का मेला है, उस मेले के बहाने हम हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे और फिर हस्ताल कोर्ट पे कब्जा कर लेंगे। खड़े खड़े देख क्या रहा है? आ भाई के गले लग जा। अब हम दोनों भाई मिलके इसी गांव में रहेंगे। मगर ये सब क्या है और ये हथियार वगैरह? यसला हमारी कौम के भाइयों के लिए है, हमारी कौम के भाइयों के लिए, ताकि हर मुसलमान हिंदुस्तानी फौज का डटकर मुकाबला कर सके। हैं तो सारे हथियार
कोई हथियारों को हाथ नहीं लगाएगा, मैं तुम्हारा मुखिया हूं। तू पागल हो गया था? कितना जहर भरा है तुम्हारे इस खून में। उसी जमीन को रौंदना चाहता है अपने पांव तले जिसमें तेरे बाप दादा की खाक मिली हुई है। अता मोहम्मद, तुम्हारे भाई की बकवास सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जो करना है जल्दी करो। नादान ना बनो जान, पूरा गांव हमारा साथ दे रहा है, तुम अकेले क्या कर लोगे? तुम्हारी हिम्मत इस जमीन पर पांव रखने की इसलिए हुई ना आता क्योंकि तूने समझा कि इस गांव का हर इंसान मुसलमान है। लेकिन ये तुम्हारी और तुम्हारी कौम की सबसे बड़ी भूल है। इस गांव के हर मुसलमान के जिस्म में एक हिंदुस्तानी दिल है और वो इस मुल्क से बेपना मोहब्बत करता है। वो इस मुल्क के लिए अपनी जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है, चाहे वो जान पाकिस्तानी भाई की क्यों ना। इसलिए दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरे गांव से, मेरी जमीन से और मेरे मुल्क से, दफा हो जाओ। अगर अपने भाई के सीने पर तूने बंदूक तान ली है तो चला गोली, लेकिन बाप दादा की कब्रों को पांव तले रौंदने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। बताओ मैं क्या, तो गोली चलाओ। भूल क्या, रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। अरे सोचता क्या, चला गोली, मुझे मेरे मुल्क की जमीन दो गज टुकड़ा जरूर दे देगी और मैं उसके सीने में समा जाऊंगा। चला गोली, गोली चलाओ। हथियार वापस फेंक दो। शहीद हुआ हूं, की मौत को देख के खून जोश मार रहा है। क्या बोल रहे हो साहब, अभी तो ये मकान और ये खेत मेरे हो गए ना साहब। ये तो मेरा बहुत पुराना सपना है साहब। और साहब सच बोलो साहब, जब से मैंने आपका हाथ पकड़ा है ना, मैं तो माला माल हो गया हूं। सलाम साहब। जाने दो इसे। ये गांव अब हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। तारीख गवाह है कि जब जब आवाम ने साथ दिया तब तब इंसान को उसके मकसद में कामयाबी मिली। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों की हिफाजत, आप लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारी है। इस गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा और अगर किसी ने इस गांव से बाहर जाने की कोशिश की तो यह समझा जाएगा कि वो मुल्क और कौम का गद्दार है, उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। कोई शक? ए, बोले दो, रुक जा। लगता है किसी ने गांव से निकलने की कोशिश की है, इसलिए मारा गया। कौन हो सकता है? शादाब, 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 इसे किसी ने गोली मारी है, जल्दी से अस्पताल ले चलो। नहीं साहब, नहीं साहब, यहां तक पहुंच गया बस। पाकिस्तान से आए दहशतगरों ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया है। मेरे गांव के कुछ लोग उनके साथ मिल गए। मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो। तुम अपने भाई को अस्पताल ले जाओ, मैं जवानों को रेडी करता हूं। शादाब, शादाब, शादाब बब्बू कहाँ है? शादाब
सच्चे घर। अता मोहम्मद ने उन्हें गोली मार दी। अता मोहम्मद? हाँ, वो उनके साथ मिल गया है। अबू की लाश वही है। और तुम यहाँ? खबर देने आ गया। मौत ने इतनी फुर्सत तो दे दी, और हो सके तो अपने इस नादान भाई को माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, और अभी से कहना कि उनका शादाब इतना बुरा नहीं था जितना वो समझती थी। बस तू उसका कर्ज ना चुका सका, यही अफसोस। शादाब, 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 शादाब। इन्ना लिलाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अता मोहम्मद, give me the megaphone. Gul Hamid, BSF ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। हम जानते हैं तुम अस्ताल कोर्ट पर कब्जा करना चाहते हो और अपने वतन में मिलाना चाहते हो, मगर मेरे रहते हुए तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हम ये भी जानते हैं कि तुम न्यूयॉर्क, तेल अवीव और इजिप्ट में अपने नापाक इरादों में कामयाब हुए, लेकिन यहां तुम्हें नाकामयाबी मिलेगी। मैं रेफ्यूजी और 3 आदमियों को अंदर भेज रहा हूं नीर हत्ते, और उम्मीद करता हूं कि तुम इसे इसके वालिद को दफनाने की इजाजत जरूर दो। इंसानी मिट्टी की इज्जत करो। अंदर जाओ और दुश्मन की ताकत गिन कराओ। गो फास्ट। धीरज, अशोक, उदयवीर, मेरे साथ चलिए। वालों, तुम्हारा मुखिया जा रहा है और जाते वक्त तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। मांगता है तो बस एक मुट्ठी भर खाक दफन के वक्त। अगर तुम वो भी नहीं दे सकते तो फिर खड़े रहो यहां, दहशतगर्दों के हवाले कर दो अपने गांव को, ताकि आने वाले नस्लें बस इतना कह सके कि यहां भी एक गांव होता था जिसके बच्चों ने अपने गांव को गैरों के हाथों बेच दिया, और गांव हमेशा के लिए शर्मिंदगी की चादर ओढ़ के सो गया। अगर तुम लोगों को इस गांव की मिट्टी से, जिसमें तुम्हारे बुजुर्गों की खाक मिली हुई है, इससे जरा भी प्यार है तो फिर छोड़ दो ये हथियार और हो लो मेरे साथ।
आता मोहम्मद, ये बाजी तो पलटती नजर आ रही है। इन्हीं के बलबूते पे तो हम लोग ये जंग जीतने आए थे और यही हमको छोड़ के जा रहे हैं। पकड़ लो इन सबको और बंदी बना लो। तुम लोग अम्मी अबू को सुरक्षित जगह ले चलो, मैं कवर फायर देता हूं। आप गांव पर हमला कर दीजिए। वेल डन, वेल डन बॉय। नीचे वरना उड़ा दूंगा इसे। आ!
तीनों कह रही थी कि तुम कहीं जा रही हो। अशरफ साहब गाड़ी में है, वो मुझे हाजी पीर बाबा के दरगाह पर ले जाएंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। जी, मैंने नाजनीन से वादा किया था कि उसे दाता के दरबार तक ले जाऊंगा, सलाम भी कर लेगी और दुआ भी। मैंने सोच लिया है अम्मी कि मैं अपने आप को हाजी पीर बाबा के हवाले कर दूंगी, वो जो भी मेरे तकदीर का फैसला करेंगे सर आंखों पर। बड़ा नेक ख्याल है बेटी, कब तक वापस आओगी? शायद कभी नहीं। क्यों? अगर उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया और रेफ्यूजी मिल गया तो शायद। मगर क्यों? अम्मी, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो मुझे भूल मत जाना। पगली, औलाद कोई कहानी नहीं होती जिसे माँ बाप भूल सके। अब्बू को खबर तो होगी कि मैं जा रही हूँ, मगर विदा करने नहीं है। नाराज है ना अपनी बच्ची से? खैर, उनसे कह देना कि अपनी नादान बच्ची को बेवकूफ समझकर माफ कर दे। से कहो निकाह की तैयारी करें। जी सर।
साहब। मोहब्बत का एक समंदर है, तुझ में डूबूं तुझी में खुल जाऊं। एक नजर देख ले जो तू मुझको, जिस्म से सुनिए, मुझे प्यास लगी है। एक नजर देख ले, पानी लाओ। जो तू मुझको, जिस्म से रूह तक मैं धुल जाऊं। मुझे देख जरा, पहचान जरा, मैं तेरा हूं, मैं हूं तेरा। मैं तेरा हूं, मैं हूं तेरा, मैं तेरा हूं, मैं हूं तेरा। मेरे दिल काजी साहब को बुलाओ। मेरे दिल में गूंजे यही सदा, मेरे दिल में गूंजे यही सदा। जिसे तू ना मिला काजी साहब, इन दोनों का निकाह करवाइए। आपको कबूल है? मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। रंग में तू है, रूप में तू है, छांव में तू है, धूप में तू है। तू है रातों में, तू सवेरों में, तू उजालों में, तू अंधेरों में, तू ही सर्दी में, सख्ती में, तू ही नरमी में, तू है पानी में, आग में तू है, तू है गीतों में, राग में तू है, ओ तू सुरों में है, ताल में तू है, सोच में तू, ख्याल में तू है। मंदिर मगर अभी भी तो सर, ये अचानक क्या हो गया? सवाल पूछना बंद करो, कुछ करो। मगर मैं क्या करूं? हमारे यहाँ का अस्पताल नजदीक है, इसे वहीं ले चलते। मैं अब कहीं नहीं जा सकती हूँ, मैं दर से मरी जा रही हूँ। तुम कुछ करते क्या? अरे तुम कुछ करो ना यार। अरे मैं क्या करूँ तुम? अशरफ ये चलिए, आप चलिए आराम से। लगता है बच्चा जल्दी में है, शायद बच्चा यहीं हो जाएगा। कुछ समझे तुम? समझ रहा हूँ। क्या खास समझे तुम? कुछ करो ना। मैं क्या कर रहा? अरे तुम बीएसएफ के कमांडेंट हो, सिर्फ वर्दी और गोलियों के बारे में जानते हो और कुछ नहीं जानते हो क्या? बीएसएफ के कमांडेंट तो आप हो, आप कुछ करो ना। मैं क्या करूं? मुझे तो इमरजेंसी में सिर्फ फर्स्ट एड सिखाया गया है। वो तो मैं भी सीखा हूं, लेकिन ये फर्स्ट एड क्या 10th एड से भी आगे की बात है। सिर्फ बकवास करते रहोगे या कुछ करोगे भी तुम? मैं क्या करूं? तुम एमडी हो, एमबीबीएस हो, कुछ करो। मैं सिर्फ बैचलर हूं। मैं भी बैचलर हूं, तो कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर लड़की
आपकी है कौन? अरे कोई भी हो, इस समय तो मदद चाहती है। अरे भाई मदद तो हम कर ही देंगे, मगर पता तो चले हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है या फिर कोई और। माँ बनने वाली है, ये काफी नहीं है क्या? अरे बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। चलो चलो चलो, चल फूलमती, ए सकीना पता पड़ा, जल्दी कर, चल 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 चल, देखते हैं बेचारी तकलीफ में है। चल अरे दुपट्टा तो देना, ये ढक दो इसे, यहाँ पर तुम इधर आ जाओ, पर्दा यूं करो। मुबारक हो, लड़का हुआ है। बच्चा दोनों ठीक था। क्या हो रहा है ये? लगता है आपकी वर्दी आपको कैलेंडर देखने की फुर्सत नहीं देती। आज 14 और 15 अगस्त के बीच की रात है और ठीक 12 बज चुके हैं। ऐसे 12 बज चुके हैं, इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ भी आतिशबाजी हो रही होगी। और हमारे यहाँ भी सुबह से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में अभी शुरू हो रहा है। यूं कहिए बच्चे की आयत का जश्न मनाया जा रहा है दोनों मुल्कों में। अच्छा रघुवीर सिंह जी, एक बात बताइए, ये जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है वो पाकिस्तानी होगा या हिंदुस्तानी? सब लगे हिंदुस्तानी, रेफ्यूजी बाप है। नाजनी माँ है ना, और वो पाकिस्तानी है। अनफॉर्चुनेटली बच्चा बाप के नाम से जाना जाता है, माँ के नाम से। हाँ ये जरूरी नहीं है, I'm sorry। आज भी दुनिया भर में इमाम हुसैन अपनी अम्मी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे यहाँ कृष्ण भगवान यशोदा मैया के लाल के नाम से जाने जाते हैं। मगर हजरत अली और वासुदेव को भी तो लोग भूले नहीं ना। खैर छोड़ो इस बहस को, जहाँ पर ये बच्चा पैदा हुआ है वो जगह ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में। नो मैन्स लैंड, इंटरनेशनल बॉर्डर भी तो कहा जा सकता है। तो फिर ये बच्चा कहाँ का शहरी होगा, हिंदुस्तान का है पाकिस्तान का? किसी का भी नहीं और सबका, सारी दुनिया का शहरी होगा ये बच्चा। प्यार मोहब्बत का फूल है, ये अपने लिए एक नया स्थान बनाएगा जिसकी सरहद या सीमा कुछ नहीं होगा, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, और उस वतन का नाम होगा इंसानियत स्थान। No passport, no visa. No visa.